नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे डायबिटीज, जी हाँ, यानी कि शुगर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी, यह सब दोस्तों हो जाती क्यों है, इसके पीछे की कारण क्या होती है, और साथ में दोस्तों इसका लक्षण भी बताएंगे, इसका लक्षण क्या दिखाई देती है जब किसी इंसान को शुगर की बीमारी हो जाती है तब। और ये भी हम आपको बताएंगे कि जिस व्यक्ति को शुगर की बीमारी बहुत दिन तक रह जाए तो उसको कौन कौन सा और सारे बीमारी हो सकता है, ठीक है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर शुगर की बीमारी आपको हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा ताकि आप लोग समझ सके। आप लोग को कोई भी बीमारी के संबंधित जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, हम आपको मदद जरूर करेंगे। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छा होने वाली है, ठीक है। दोस्तों जब किसी इंसान को डायबिटीज हो जाती है यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है तो उसको जिंदगी में छोड़ने का नाम नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। और दवा जब आप लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ लीजिए वह भी जो है जिंदगी में आपको बंद नहीं करना है शुगर का मेडिसिन, ठीक है, नहीं तो तरह तरह के आपको खतरा शरीर पर आ सकती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज आखिर होता क्या है, यानी कि शुगर का बीमारी होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग के शरीर में ग्लूकोज का लेवल जब जरूरत से ज्यादा हाई हो जाती है तो उसी को दोस्तों शुगर का बीमारी बोलते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि यह जो ग्लूकोज की मात्रा हाई क्यों हो जाती है, तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझ में आप लोग को जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, वह ग्लूकोज का लेवल हाई कब होती है, जब शरीर में इंसुलिन कम बनता है, ठीक है। जब शरीर में इंसुलिन कम बनेगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाती है। दोस्तों इंसुलिन कौन बनाता है, तो पेनक्रियाज बनाता है। दोस्तों पेनक्रियाज कहां होता है, तो आप स्क्रीन पर देखिए, पेट और लीवर के ठीक बीच में एक पेनक्रियाज होता है, यही जो है दोस्तों क्या करता है कि इंसुलिन का निर्माण करता है, ठीक है। और जब इंसुलिन का यह निर्माण जो है कम करेगा तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि पेनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है, पेनक्रियाज जब इंसुलिन कम बनाएगा तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल हाई होना ही है, यानी जो भी फॉल्ट होता है आपको पेनक्रियाज में हो जाता है जिसकी वजह से शुगर का लेवल हाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि इसके पीछे के कारण क्या होती है, इंसुलिन जो है काम सही से नहीं कर रहा है तो इसके पीछे के कारण क्या है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे का मेन जो कारण है वह है आपको गलत खान पान। जी हाँ दोस्तों, गलत खान पान के वजह से होता क्या है कि पेट में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा आपको। जब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा यानी पैखाना जब क्लियर आपको नहीं होगा तो क्या होता है कि पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो उस पेट में तो पेनक्रियाज होता है तो उस पर ज्यादा दबाव पड़ेगा तो सही से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शुगर का लेवल हाई हो जाती है। सेम उसी तरह यानी कि मानिए कि टेंशन तनाव में अगर आप ज्यादा रहिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होती है कि शुगर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जब टेंशन और तनाव में जब हम लोग रहेंगे तो होता क्या है कि खाना नहीं खाएंगे तो पेट में कॉन्स्टिपेशन बनना ही है, और बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि पेनक्रियाज पर दबाव पड़ना ही है, नहीं के बातें नहीं है, ठीक है। यानी गलत खान पान और तनाव के वजह से भी आपको शुगर का बीमारी हो सकता है। इसके बाद शरीर से अगर आप कोई काम नहीं करिएगा, इसके वजह से भी आपको क्या होता है कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जब शरीर से काम नहीं करिएगा तो खाना सही से नहीं पचेगा, खाना नहीं पचेगा तो ऑटोमेटिक पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा और पेनक्रियाज पर दबाव पड़ने लगेगा। दोस्तों यह सब कारण हो जाता है। आइए आप बताते हैं कि इसका लक्षण क्या दिखाई देती है। दोस्तों लक्षण ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले लक्षण आपको दिखाई देती है, मां तीन ऐसा लक्षण है जो कि सबसे पहले दिखाई देती है, वह क्या दिखाई देती है, तो वह आपको दिखाई देती है कि प्यास बहुत ज्यादा लगना, ठीक है, यानी मुंह सूखेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा। इसके बाद पेशाब जो है बहुत ज्यादा होगा, तीले तीले आपको पेशाब लगेगा। इसके बाद भूख जो है तीले तीले आपको लगने लगेगी, यानी कि बार बार आपको भूख लगने लगेगा, ठीक है। यह सब मेन लक्षण आपको दिखाई देने लगती है। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि शुगर की बीमारी अगर लंबे समय तक रह जाए तो आप लोग को क्या परेशानी हो सकती है। नंबर वन आपको परेशानी हो सकती है नस का बीमारी। जी हाँ, यानी नस की बीमारी में आप लोग देखे होंगे कि बहुत ज्यादा लगता है कि पैर पैर और हाथ में खिंचाव बहुत ज्यादा होने लगेगा। इसके बाद कमजोरी ज्यादा महसूस होने लगेगा, बुझाएगा कि पिलुआ की तरह पूरा शरीर में सूर सूर चल रहा है। यह भी लक्षण आपको दिखाई देने लगती है शुगर के पेशेंट को, ठीक है, नस की बीमारी होने लगती है। इसके बाद दोस्तों किडनी का प्रॉब्लम आपको होने लगती है, किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, किडनी जो है कमजोर होने आपको लगेगा, ठीक है, जब शुगर की बीमारी हो जाती है तब। इसके बाद दोस्तों लीवर को भी आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्यों लीवर को दिक्कत होती है, शुगर पेनक्रियाज सही से काम नहीं करे, पेट में कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, जिसको लीवर को भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगती है। तो लीवर, किडनी प्लस में हार्ट और इसके बाद नस का बीमारी, ये सब जो है आपको बीमारी बढ़ा देता है शुगर का बीमारी, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसको ठीक करने के लिए कौन सा आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इस मेडिसिन को आप लोग लिख लीजिएगा, तो वह है टेबलेट डाइबेकोन डीएस, जो कि हिमालय कंपनी की आती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 60 गोली रहता है, एक सुबह एक शाम को खाना है, खाली पेट एक गिलास गर्म पानी के साथ। नहीं तो इससे भी आपको अच्छा भी आता है, अच्छा तो दोनों है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसका नाम है डायबिटिक केयर, यह
भी बहुत बढ़िया है, यह कैप्सूल फॉर्म में आती है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। यह भी 60 गो के आता है कैप्सूल, या सुबह शाम ये भी आप खाली पेट खा सकते हैं गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छा काम करेगा डायबिटीज के पेशेंट को। यह जो है दोस्तों दोनों में से कोई भी एक आप खा सकते हैं। यह जो मेडिसिन है आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पर आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिएगा कि पहले से आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उसको बंद नहीं करना है, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। उस एलोपैथिक दवा के साथ इस मेडिसिन को आप खा सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके छोड़ना है आपको, जिस तरह डॉक्टर साहब बोलेंगे उस तरह, ठीक है दोस्तों। या आप खाकर जरूर देखिए, बिल्कुल आपको डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा और बिना दवा के इस मेडिसिन से आपको ठीक होना ही है, नहीं के बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।